लॉकडाउन से उत्पन्न हुई भोजन की समस्या से निजात पाने के लिए सभी थानों में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, लेकिन जरमुंडी पुलिस विशेष रूप से ये ध्यान रख रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, और इसीलिए जरमुंडी पुलिस थाने में भोजन पकाने के बाद उसे PCR वैन में लादकर गांव के सुदूरवर्ती इलाके में जरूरतमंद परिवारों के बीच वितरण करती है। SI प्रभास कुमार ने बताया कि जरमुंडी थाना में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है, साथ ही सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को घर पहुंचाकर खाना दिया जा रहा है ताकि लोग भूखे ना रहे। अभी हमने देखा कि थाना से आके खिचड़ी पूरा गरीबों को दिया गया, बटा गया, और यहाँ तक कि आज देखे कि इस गांव के गरीबों बहुत खुश हैं कि आज दोपहर का भोजन मिला। इसलिए ये लोग थाने के जितने भी आए हुए हैं, इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में हमारे यहाँ हेमंत सरकार जो हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हम सभी गरीबों का ख्याल रखा, और यहाँ तक कि वो शहर से लेकर आज ग्रामीण क्षेत्र तक वो भोजन पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। और साथ में ये थाने के जो भी आए हुए हैं, इन लोगों को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग भी अनुपालन कर रहे हैं और यहाँ तक वो लोग अपना जो भी काम है यहाँ तक पहुँचाया है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।